हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैनेट जे एडवांस पेपर टू जो आपका रहा था हम उसके सॉल्यूशंस आप लोग के सामने लेकर आए हैं पेपर टू बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा ट्रिकी साइड था थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे पेपर के अंदर सो लेट लेटर्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ पेपर पहला जो सेक्शन है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सिंगल करेक्ट चॉइस जो क्वेश्चन आपके वन टू फोर पेपर के अंदर आए थे बता देता हूं बच्चों आपको यहां पर इसके अंदर प्लस मार्क्स सही करने पर आपको मिल रहा था एंड माइनस वन यहां पर नेगेटिव मार्किंग थी ओनली वन ऑप्शन वॉज करेक्ट देखते हैं पहला सवाल जो था आपका वो इस तरह से था एक रीजन है इसके अंदर तो आपको करिए नीचे ट्राइंगुलर रीजन दिख रहा है इस रीजन के अंदर ओनली मैग्नेटिक फील्ड है एंड इसके अंदर जो है ये ट्राइंगुलर

शेप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वहां पर फ्लक्स चेंज होता है And हमें मालूम है इज़ टू माइनस वी नो जैसे जैसे लूप अंदर एंटर करेगा पहले फ्लक्स इंक्रीज होगा एक ऐसा मोमेंट आएगा जब फ्लक्स फ्लक्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो पहले फ्लक्स जो है आपका इंड्यूस हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स आपका तो इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होगा रिवर्स है ना नेगेटिव साइन के साथ बाद में जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ को इंक्रीज होना पड़ेगा जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं यहां पर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज बट इंक्रीज होके पॉजिटिव जीरो भी होना पड़ेगा जब बाहर निकल रहा है तो जीरो के बाद पॉजिटिव नहीं हो रहा है सो आई कैन से ऑप्शन सी इज रॉन्ग बाकी ऑप्शंस को जरा चेक करते हैं यहां पर कि किस तरह से हर सिचुएशन में दिख रहा है कि जब एल एंटर कर जाता है एल एंटर करने के बाद जो है फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है बिकॉज एल के बाद जो है अब ये बाहर निकलना चालू करेगा देखते हैं यहां पर कि क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यहां पर बनाते हैं कि जब ये, अंदर एंटर कर जाएगा, ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है एंड इसके अंदर जब लूप एंटर कर रहा है तो लूप कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ठीक है लूप सर ऐसा आ गया है अब मैं आपको कह रहा हूं कि लूप जो है यहां से एक्स डिस्टेंस अंदर एंटर कर चुका है अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो आप देखिए आधा जो होगा इसका पार्ट एक्स बाय टू हो जाएगा ठीक है एंड अगर मैं यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल ऑब्जर्व करता हूं इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस पार्ट हियर दि स्मॉल ट्राइंगल हियर मैं उस स्मॉल ट्राइंगल को शेड कर देता हूं बच्चों इस स्मॉल ट्राइंगल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये एक्स बाय टू है तो ये वाला जो पार्ट है वो एक्स बाय टू टेन थर्टी हो जाएगा मैं बोल सकता हूं कि सर इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू एक्स बाय टू इंटू एक्स 30 टू टेन थर्टी टेन थर्टी रूट थ्री ऐसे चार ट्राइंगुलर पार्ट हैं यहां पर तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया एंटर करा है दैट इज फोर टाइम्स ऑफ ए अगर फोर टाइम्स ऑफ ए करते हो तो आपको दिख जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू रूट थ्री दिख गया होगा बच्चों आपको अब मुझे मालूम है दैट फ्लक्स दिया जाता है बी डॉट ए के बराबर बी एक्स निकालना है उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिख रहा हूं तो सिंपली डी फाइव आई डी लिख देता हूं यहां पे बट अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं साइन के साथ अगर मैं यहां पर डेटा पुट करता हूं सो इफ आई पुट दी डेटा विद दी हेल्प ऑफ साइन तो देखिए यहां पर क्या बन जाता है इंड्यूस इंड्यूज इज इक्वल टू माइनस डी फाइव आई डी टी माइनस साइन लगाएंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी एक्स एंड इज तो पहले आपका इंडियो एफ ये आ रहा है ठीक है आई होप ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियो जीएमएफ पहले जो है नेगेटिव है सभी सिचुएशन में यही वैल्यू दिखाई दे रही है आपको नेगेटिव स्लोप के साथ आपको दिख रहा है अब देखो अगर आप आगे इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो अब क्या होगा धीरे धीरे जब एंटर करते हुए ये पूरा एंटर कर जाएगा तो फुल एंटरिंग का जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरह से होगा सर जब ये पूरा अंदर एंटर कर चुका है तो ये लूप ऐसा दिखाई दे रहा है हमें ये ट्राइंगल लूप ऐसा आ चुका है अब इस सिचुएशन पे क्या है एंटर करने के बाद क्या एंटर्ड एरिया मैक्सिमम हो चुका है नहीं एंटर्ड एरिया मैक्सिमम नहीं हुआ है अभी ठीक है आप क्या बोलेंगे सर ये जो पार्ट है अभी और अंदर एंटर करेगा एंड फ्यूचर में थोड़ा सा आगे शिफ्ट होने के बाद कैसा दिखाई देगा देखते हैं इसी लेवल रेफरेंस लाइन पे जो है मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं आई एम टेलिंग यू दैट वेटर वे टू सॉल्व जहां पर हमें पूरा एरिया कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ये आपका जो है ट्राइंगुलर लूप है यहां पे एंड ये इस तरह से जो है अब आगे वाला पार्ट समझना यहां पे ठीक है एक ऐसा इंस्टेंट यहां पर होगा बच्चों जिस सिचुएशन के अंदर ये अब ऐसा एंटर कर चुका है ठीक है थोड़ा सा यहां पर मैंने बड़ा दिखा दिया है, पर आप समझने की कोशिश करना कि ऐसा सिनेरियो होगा कि ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट आपका रेगुलर हेक्सागन बन रहा होगा अगर अंदर वाला पार्ट आपका रेगुलर हेक्सागन बन रहा होगा तो व्हाट विल बी सिनेरियो रेगुलर हेक्सागन के लिए सिनेरियो जो है आपका इस तरह से होगा कि ये पार्ट सर ध्यान से देखो ऐसी सिचुएशन पे ये जो एरिया अंदर की तरफ आ चुका है ये मैक्सिमम एरिया है यहां पर मैक्सिमम एरिया नहीं है बच्चों यहां पर अगर आप एरिया देखोगे ना तो यही मैक्सिमम है सिर्फ बट देख रहे हो आप यहां पर जब रेगुलर जाएगा, जाएगा इस सिचुएशन के बाद जब लूप नीचे जाएगा जो loop, का मैंने बना रखा है जैसे ही नीचे जाएगा अब एरिया डिक्रीज होगा मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूसमएफ तब वहां पर जो है पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा तो ध्यान रखना कि वो स्विच ओवर जो पॉइंट यहां पर ग्राफ में दिखा रखा है कि सर यहां पर ये यह स्विच ओवर हो रहा है एल के बाद अब देखो यहां पर एल पे तो दिखाई दे रहा था ना आपको जब ये ऐसा एंटर कर जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो चुका है अब ये बाहर निकलने जा रहा है बट क्या टोटल एरिया डिक्रीज हो रहा है नहीं एरिया इसके बाद डिक्रीज होगा हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो एक रेगुलर बनने के बाद मैं कह सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री कि सर यहां पर ये यह जो लेंथ है अगर मैं इसे एक्स कह देता हूं यहां पर ये वाली लेंथ भी मेरी एक्स हो जाती है ध्यान से देखना अगर ये सारी लेंथ मेरी एक्स हो जाती है रेगुलर हेक्सागन वाले सिचुएशन पे तो इसके बाद जो है मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं इस के बाद अगर ये लेंथ में, में मेजर करना चाहूं ये लेंथ ठीक है इस ट्राइंगुलर पार्ट के हेल्प से ये लेंथ आप ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं दैट दिस लेंथ इज एक्स टेन थर्टी ठीक है दैट विल बी एक्स बाय रूट थ्री ठीक है अगर ये लेंथ x बाय रूट थ्री है तो बाय सिमिलर लॉजिक मैं कह सकता हूं कि सर ये बाय ये भी x बाय रूट थ्री होगी ये भी x बाय रूट थ्री होगी एंड ये भी x बाय रूट थ्री होगी सो so, टोटल कितना लूप चल चुका होगा ये जो डिस्टेंस मैं देख रहा हूं जो लूप चल चुका है दैट विल बी फोर एक्स बाय रूट थ्री इतना डिस्टेंस लूप अंदर की तरफ चल चुका है अच्छी चीज हो जाती है अगर आप देखते हैं कि सर कितने टाइम पे आपका इंड्यूस ई एम जीरो हो जाएगा जब ये इतना एंटर कर जाएगा तो आप बोलेंगे सर द डिस्टेंस इज फोर एक्स बाय रोट थ्री अच्छा क्या मैं एक्स को लेंथ के टर्म्स में यहां पर बता सकता हूं ठीक है आप बोलेंगे सर यही चीज तो जो है आपकी अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो सर ये प्लस ये प्लस ये इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहां तक का ये आपके लेंथ के बराबर है तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है सर थ्री एक्स बाय रूट थ्री इज इक्वल टू टोटल लेंथ तो मुझे दिखाई दे रहा है सर x की वैल्यू जो है l बाय रूट थ्री के बराबर है टोटल डिस्टेंस एंटर्ड इज दिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अगर मैं यहां पर x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूं तो आप देखेंगे फोर एल बाय थ्री वी ये आपका टाइम का आंसर जा रहा है कि इतने टाइम के बाद आपकी जो इंड्यूस इंड्यूज है वो पॉजिटिव होना चालू हो जाएगी तो अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो इस वे से जाके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे आप कह सकते हैं कि सर वो यहां पर है और ये तो आपका थ्री एल बाई टू है तो बहुत दोनों ऑप्शन यहां पर थ्री एल बाई टू में जीरो दिखाया थ्री एल बाई टू पर जो है ये आगे दिखाया उसके तो ये गलत हो जाता है सो दैट इज हाउ आई कैन चूज दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट फ्रॉम हियर तो थोड़ा सा जो है एनालिसिस दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते थे ठीक है मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में ये जो क्वेश्चन है आपका पहली चीज क्लास ट्वेल्थ का है ठीक है आपका जो है ये फ्लक्स कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई के अंदर जो है आप इसे पढ़ रहे होते हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों को जो है मॉडरेट से टफर साइड लगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा बच्चों ठीक है इसे कैसे करना है ये क्वेश्चन बच्चों क्लास इलेवेंथ का जो है आपका टॉपिक पूछा गया है यहां पर जो है आपका सर्कुलर मोशन प्लस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है ग्रेविटेशन से उठाया गया एंड ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट कैटेगरी में आएगा बच्चों पहले मैं क्वेश्चन की जो है आंसर की आपको बता देता हूं द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर है देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं यहां पे इस क्वेश्चन में बोला गया था पार्टिकल ऑफ मास एम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट विद द टाइम पीरियड टी नॉट अराउंड द द मास एम देन पार्टिकल इज सब्जेक्ट टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स पहले बेसिक वाला काम कर देते हैं आपने बोला कि सर सबसे पहले यहां पर एम मास है कोई स्मॉल एम मास रेडियस आर नॉट में घूम रहा है तो हम कह सकते हैं जी एम एम बाय आर नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर वेलोसिटी पता चली रूट ऑफ जी एम बाय आर नॉट टाइम पीरियड टू पाई आर नॉट डिवाइड बाय वी टी इज इक्वल्स टू टू पाई आर नॉट टू द

थ्री एम अल्फा आर क्यूब ऊपर गया आर क्यों माइनस थ्री नीचे आके डिफरेंशियट हुआ अच्छा माइनस थ्री नीचे आया तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है होपफुली बात समझ में आ रही होगी यहां पर कि सेंट्रल फोर्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं माइनस डेल वी बाय डेल आर तो इस तरह से जो है मैं वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं आगे देखते हैं बच्चों यहां पर ठीक है एम अल्फा आर माइनस थ्री था ठीक है जब डिफरेंशिएट किया इसे तो ये बना थ्री एम अल्फा और नीचे बना आर टू दर फोर ठीक है ये आपका सेंट्रल फोर्स निकल के आ जाता है अगर मेरा सेंट्रल फोर्स यहां पर निकल के आ गया है आगे देखिए बोला है दैट अल्फा इज द पॉजिटिव कॉन्सेंट ऑफ सुटेबल डायमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दर्बिट ऑफ पार्टिकल मूव इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट इन द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एम एंडीसी बट विद इन न्यू टाइम पीरियड टी वन ठीक है और ये कुछ वैल्यू पूछी गई है अगर ये न्यू टाइम पीरियड आप निकालना चाहते हो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो ये होता है टी वन स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन स्क्वायर इससे जो आपकी वैल्यू यहां पे निकल के आती है दैट विल बी माइनस स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय ठीक है आगे देखते हैं कि भाई इसको किस तरह से करना है होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी ठीक है आगे वाला जो पार्ट है इसका मैं आपको जो है डेटा यहां पर डाल के बता रहा हूं ठीक है ठीक है अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस फोर्स को बोला गया दैट कोरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी दिस ठीक है अब मैं बोल सकता हूं सर जो नेट फोर्स आपका लग रहा होगा सेकंड सिनेरियो के अंदर दैट विल बी जी एम एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक और एडिशनल फोर्स लग रहा होगा थ्री एम अल्फा थ्री एम अल्फा आर टू दी फोर ठीक है यहां से अगर मुझे फोर्स की वैल्यू पता चल गई है तो यही नेट फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होते हैं ठीक है यहां से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं पहले इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं मुझे वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई है दैट वेलोसिटी इज रूट ऑफ जीएम बाय आर प्लस थ्री अल्फा आर क्यू ठीक है टाइम पीरियड t1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके यहां पर 2πr डिवाइड बाय दिस वेलोसिटी जब आप इसे यहां डिवाइड करेंगे तो देखना भाई अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ये क्यूब लिख देता हूं तो यहां स्क्वायर हो जाएगा ठीक है एंड 2πr जब इसे इस डिवाइड करते हैं तो रूट के अंदर जो है ये gm r² 3α ये दिखाई देता है एंड ऊपर जो है r³ जाएगा रूट में तो वो जो है आपका ट टी पार थ्री बाय टू इस तरह से लिखा है। है? हुआ है ठीक है होपफुली आपको दिख गया होगा कि यहां पर क्या करने की कोशिश की गई है अब एंड लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको वन माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन स्क्वायर करना है ठीक है डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपका बन रहा है टी वन स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा फॉर दि सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूं इसको एज इट इज रखता हूं टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा यहां पर फोर पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब ठीक है क्या रेडियस सेम दे रखी थी देखिए इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस को आर ही लूंगा यहाँ पे. And, ये GM से जो है जीएम बना जब इसे इस चीज से डिवाइड करूंगा मैं यहां पे, तो मुझे दिख रहा है, ये, r है, आर ही है वो सेम बोला गया है आर नॉट क्यूब एंड यहां पर आया मेरा जी एम आर नॉट स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा ठीक है देखता हूं क्या क्या कट जा रहा है सर ये कट गया ये कट गया आर नॉट क्यूब एंड आर नॉट क्यूब कट गया ठीक है आगे देखते हैं बच्चों यहां पर क्या बनता है अगर मैं यहां पर जीएम से डिवाइड करता हूं जीएम आर नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो वन बन गया पूरा और नेक्स्ट क्या बना थ्री अल्फा डिवाइड बाय जीएम आर नॉट स्क्वायर लास्टली आपको पूछा गया है कि सर

बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आप पढ़ रहे होते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पाई तो इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आपका अल्फा के बारे में के अल्फा के बारे में पूछा गया यहां पर मेटल टारगेट विद एटॉमिक एटोमिकेड नंबर जेड इज इक्वस टू फोर्टी सिक्स तो एक टारगेट है आपका मेटल का जेड इज इक्वस टू फोर्टी सिक्स इज बोम विदर्जी इलेक्ट्रॉन बीम द एमिशन ऑफ एक्सरेज के फ्रॉम दारगेट इज एनाइज द रेश आर ऑफ देंथ ऑफ दल्फा लाइन तो के अल्फा लाइन की वेव लेंथ जो है हमें वो एनालाइज करनी कितनी है ठीक है देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो आर क्या है आपका वेव लेंथ ऑफ के अल्फा लाइन डिवाइड बाय कट ऑफ वेव लेंथ ले कट ऑफ इस फाउंड टू भी इनिशियली ये वैल्यू बच्चों टू निकल के आई है ऐसा दिया गया है प्रॉब्लम में सेम इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार मेटल टारगेट विद इक्वल टू फोर्टी टू फोर्टी और इस तरह से ये दिया जाता है अब यह भी चीज पता होनी चाहिए सर आप लेमडा कट ऑफ कैसे लिखते हैं एच सी डिवाइड बाय एनर्जी अगर एनर्जी ईवी के बराबर है तो वो कट ऑफ होती है अब इनका रेशो पूछा गया अब देखो इस पूरे रेशो में सिर्फ वेरिएबल क्या है अगर मैं एटॉमिक नंबर बदल रहा हूं यहां पे तो एटॉमिक नंबर बदलने की हेल्प से अगर मैं आर की वैल्यू चेक करना चाहूंगा ठीक है एक लेमडा अल्फा जैसे ही ऊपर निकल के आएगा तो जेड माइनस वन नीचे चला जाएगा तो आपको देखिएगा सर ये पूरा अगर मैं डेटा अरेंज करके देखता हूं तो फोर बाय थ्री आर जेड माइनस वन होल स्क्वायर एंड डा कट ऑफ नीचे है आपका एच सी अपॉन ईवी बेटा कुछ ज्यादा टेंशन लेनी नहीं थी यहां पर आपको आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन होल स्क्वायर ये दिख गया ये रिलेशन पता लगते ही प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि आप बोलते हैं कि सर अब क्या करना है आर की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी टू के बराबर दैट विल बी इक्वल्स टू मीन मीन प्रपोर्शनल टू जेड माइनस वन होल स्क्वायर फोर्टी सिक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाद में बोला गया कि आर न्यू आपको निकालना है आर डैश दैट इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन द न्यू नंबर इज फोर्टी वन फोर्टी वन माइनस वन होल स्क्वायर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं वैल्यू निकालने के लिए सो आर डैश डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू आर डैश की वजह से फोर्टी वन माइनस वन फोर्टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा बच्चों एंड ये जो चीज है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी दैट इज फोर्टी फाइव होल स्क्वायर

टू पॉइंट सिक्सटी फोर आ गया बच्चों यहां पे एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है वन सेवेंटी आ रहा है ठीक है फाइव टाइम्स अगर मैं जाऊंगा तो ये वन सिक्सटी हो जाता है टेन आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा पर मुझे एक रफ एस्टिमेट दिख रहा है कि 2.53 के बहुत क्लोज आंसर आ रहा है तो ये तो ऑप्शन ए में एग्जैक्टली दे रखा है तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका जो पूछा गया है यहां से जिसके अंदर एक्सरेज का यूज किया गया था क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस से था बच्चों ठीक है अगर पढ़ रखा है ये रिलेशन जहां पर जेड माइनस वन स्क्वायर का यूज किया जाता है तो ये क्वेश्चन तो फिर उस केस में इजी हो जाएगा बट बहुत बार बच्चा भूल जाता है इसलिए हम इसे मॉडरेट अगेन मॉडरेट कैटेगरी में ही कैटेगराइज करेंगे टफ कहीं से भी नहीं था बच्चों ये प्रॉब्लम लेट अस सी थी नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं यहां पर ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था यार इस पेपर का ठीक है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो है यहां पर मिक्स कर दिया गया देखिए अ थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर तो बड़ा अच्छे से जो इन्होंने अरेंज किया था एक मेटल वायर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा इसकी गणित आपको समझाते हैं कि मेटल वायर इस तरह से है है फिर ये ऐसे ऐसे रोटेट करता हुआ चला गया ठीक आगे देखो बैंड सर्कुलर लूप टू लूपू एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम दी सेम पॉइंट तो ये दोनों एंड सेम पॉइंट से टेंजेंशियली निकल रहे हैं ठीक है वायर लूप हैज है मास एंड रेडियस आर एंड इट इज इन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ठीक है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऊपर की तरफ है As shown in the figure, initially it hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity on two conducting supports P and Q. ठीक है? When a current I is passed through the loop, ठीक है? Conducting point से यहाँ से current को भेजा होगा और उस वाले side से निकल गया होगा current. When current I is passed through the loop, the loop turns around the line PQ. तो line PQ के around loop ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है. तो अब इसको कैसे visualize करें? जरा इसको इस iPad से visualize करते हैं. ठीक है? ध्यान से देखना. अगर ये loop था, तो ये लूप ऐसे बाहर की तरफ ऐसा चला गया है ठीक है अब इसका मैं साइड क्रॉस सेक्शन डायग्राम से आपको सिखाऊंगा ऐसे क्रॉस सेक्शन डायग्राम से हम देखेंगे कि यार कैसा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और इसने एंगल थीटा हमसे पूछा है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के तो देखिए इसका साइड एंगल में आपको बताता हूं कि आपका लूप ऐसा हो गया होगा ये लूप है बच्चों ठीक है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है बोला है लूप थीटा से ऐसे रोटेट कर गया अब लूप के सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसा करंट जो है लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है ध्यान से देखना ऐसे ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा कहने का मतलब यह है कि आप पीछे वाले वायर में से करंट ऐसे भेजो और आगे वाले वायर में ऐसे, इस तरह से घुमाए तो इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में बोली गई है बी थोड़ा सा एंगल्स को अगर आप ट्रेस करेंगे तो तो क्लियरली दिखाई दे जाएगी कि सर अगर ये थीटा था तो यह 90 माइनस थीटा था और यह थीटा था इधर तो यह वाला जो है आपका 90 माइनस थीटा हो जाता है ठीक है एंगल ट्रेस कर लिया मैंने अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जो निकालते हैं हम क्रॉस बट यहां पर ठीक है नेक्स्ट भाई ध्यान से देखिए यहां पर अब मैंने बोला है कि यार ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है क्या रेडियस के बारे में चर्चा कर रखी है रेडियस लूप की आर स्मॉल आर दे रखी है. तो भाई मैंने बोला कि अगर ये रेडियस स्मॉल आर थी तो आर का ये जो सामने वाला है थी, ये थीटा हो जाता है जो टॉर्क है आपका ग्रेविटी का वह एमजीआर साइन थीटा बन जाता है दोनों टॉर्क को एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा तभी ये सिचुएशन ऐसी बन सकती है तो आप बोलेंगे सर एमजीआर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल इन टू एम बी थीटा अब देखिए यहां पर आप थीटा इधर लेके आएंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा ज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम जी आर यहां पर आंसर मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में नहीं दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको पता है एन इंटू आई इंटू ए नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट इंटू एरिया तो लिख देते हैं यहां पर नंबर ऑफ टर्न वन ले लिया मैंने एरिया पाई आर स्क्वायर बोला मैंने एंड एम जी आर इस तरह से छोड़ दिया क्या कोई ऐसा आंसर है पाई आई आर डिवाइड बाई एम जी लेटमी जस्ट चेक सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ भूल गए आप ठीक है मैग्नेटिक फील्ड जो है एम बी कॉस्टिटा की एम बी इस वाले स्टेप मैग्नेटिक फील्ड मिस हो गई थी लिख देते हैं ऑप्शन ही दिख रहा है बच्चों सही तो यह तो बहुत ही बढ़िया बात है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे गया तो दैट इज हाउ आई कैन से इज द करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे भी अभी विजुलाइज हुई रियलाइज हुई यहाँ पर चारों ही क्वेश्चन के आंसर ए थे सेक्शन थेक्शन के अंदर तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था ए थर्ड क्वेश्चन था जो ए सेकंड जो था ए एंड फर्स्ट वाला तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ए क्वेश्चन उसका आंसर पर रहता है ठीक है जरा इस क्वेश्चन के टॉपिक की बात कर लेते हैं यहां पर बच्चे ये जो क्वेश्चन है मिक्सड है ये आपका जो है जनरली लॉजिक तो क्लास ट्वेल्थ का है बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ठीक है ये क्वेश्चन अगेन जो है मॉडरेट से टफर साइड पे बोलूंगा क्योंकि विजुअलाइजेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बहुत बार बच्चों को हो जाता है एंड मैग्नेटिज्म के साथ साथ यहां पर जो है रोटेशन का जो बैलेंस टेक्निक लगाना था टॉर्क का वो इस्तेमाल किया गया दैट इज हाउ आई कैन से दीज फोर क्वेश्चन आर इन फ्रंट ऑफ थैंक यू नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम